राष्ट्रीय सोशल समाज दल ने ऐलान किया था कि महान अशोक सम्राट जी की जयंती मनाई जाएगी और आज हम लोगों ने धूमधाम से महान अशोक सम्राट जी की जयंती मनाई। कारण समझिए कि इस बार अशोक सम्राट जी की जयंती विगत पैमाने पर बहुत ज़ोर शोर से मना। कारण क्या था? कारण ये था कि देश में कुछ ऐसे तत्व तैयार हो चुका है जो इतिहास को तोड़ने का काम करना चाह रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही सुना होगा आपने अशोक सम्राट जी के बारे में क्या कहा। इसका भारत की जनता ने आक्रोश में इतना बड़ा जयंती मनाने का, और उस आक्रोश के आग में भाजपा भी आ गई। भाजपा मजबूरी में मनाई, उसे मालूम चल गया कि देश की जनता नाराज़ हो गई। हमने ऐसे लोगों को वैसे लोगों को उन्होंने कौन सा पद दिया था? अवार्ड, अवार्ड पद्मभूषण, पद्मश्री या पद्मभूषण का अवार्ड दिया था। और प्रोफेसर सिन्हा जी ने, दयाशंकर सिन्हा जी ने सम्राट अशोक जी के बारे में कहा था कि यह औरंगजेब की तरह इतिहास को तोड़ने का काम करते हैं ऐसे लोग, तो आपसी मतभेद फैला करके देश में राज करने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे। इसलिए आज पूरे देश में देश की जनता ने महान सम्राट अशोक की जयंती मनाई और एक स्वर्ण में कहा जो सम्राट अशोक जी का सोच था, जैसे देश उन्होंने चलाया, देश कोई आज का भारत नहीं था, वो अफगानिस्तान तक का खंड भारत, बलूचिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका सारा था उसमें आपका। उस समय